वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप डिप्लोमा किए हुए हैं कि ऑटोमोबाइल है कि प्रोडक्शन है, ये सब डिपार्टमेंट में आप इंजीनियरिंग किए हैं कि आपका डिप्लोमा है, तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको कौन सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे तरह कुछ भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग इजीली मेरा वीडियो देख पाएंगे। मेरा ये वीडियो पे मैं टेक्निकल क्वेश्चन और उसका आंसर क्या रहेगा बताने वाला हूं, तो प्लीज मेरा ये वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिए तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा क्या क्वेश्चन रहता है और उसके ऊपर क्या आंसर देना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वो सारे क्वेश्चन और उसके आंसर के ऊपर। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है या प्रोडक्शन हुआ है या ऑटोमोबाइल हुआ है, आपने इंजीनियरिंग किया या डिप्लोमा किया है, तो आप पहले कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, तो पहला क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन से पहला स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को क्या बोलना रहेगा, माई सेल्फ नहीं बोलना है, आई एम तीर्थ सारथी सामंतराय ऐसे करके स्टार्ट करना है। आपका एजुकेशन डिटेल, क्या क्या आपका पढ़ाई हुआ, आप फ्रेशर है तो आपका एजुकेशन और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, बेसिक डिटेल फैमिली के बारे में बताइए, आपका पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, ये सारा डिटेल आप इंफॉर्मेशन देके इंटरव्यू को प्रोसीड कीजिए। आपका कॉलेज अच्छा रहा होगा, आपका इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा अच्छा परसेंटेज रहा होगा तो आप वो परसेंटेज भी बताएंगे। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है इंटरव्यूअर के पास कि आप इतना अच्छा परसेंटेज रखें, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रांग नॉलेज रहेगा ये डिपार्टमेंट या ट्रेड के ऊपर और आपका एजुकेशन के ऊपर। सेकेंड में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिममली, आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपका क्या रहता है, आप जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन किए होंगे, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट किए होंगे कि कुछ भी अप्रेंटिसशिप वगैरह किए होंगे, तो उसी के ऊपर से ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप उस जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसी के ऊपर प्रॉपरली स्टडी कीजिए, कितने लोग काम किए थे, आपका क्या की रोल था वो प्रोजेक्ट्स में, वो सारे डिटेल्स आप प्रॉपरली स्टडी करके जाइए तो बताने के लिए इजी रहेगा। और आप ऐसे तरह बताएं जिसमें कि उसमें क्वेश्चन क्रिएट हो, उनके मन में वो डाउट क्रिएट हो, वो आपको क्वेश्चन पूछे और आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप आंसर दे सकते हैं, तो इसके वजह से क्या है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन रहता है टेक्निकल मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर बंदों के लिए, उसका रहता है आप डिजाइनिंग में जाते हैं तो उनको ड्राइंग्स के बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, टॉप व्यू नीचे रहता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर रहता है, फ्रंट व्यू नीचे रहता है और उसकी राइट हैंड साइड व्यू शो करना रहता है। मैं जो आपको अभी ये जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, मैक्सिमम डिजाइनिंग में और कुछ फ्रेशर लोग हैं तो उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी उसी रिलेटेड में और मेंटेनेंस उसी रिलेटेड में, आप फ्रेशर लेवल पे हो कि और एक्सपीरियंस के बाद जाता है तो आपका रिज्यूमे के हिसाब से पूछा जाता है, उसके बारे में डिटेल भी बताने वाला हूँ। मेरा वो टेक्निकल डिटेल्स आपको जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं ऐसे टाइप का वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स भी फीड करता रहता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तीर्थन वीटेक, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है GDNT सिंबल्स। GDNT सिंबल आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हर जगह पूछा जाता है, आप डिजाइनिंग में जाए तो आप 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। GDNT में है पैरेलल है, कंसिस्टेंसी है, सिमेट्रिसिटी है, रनआउट है, टोटल रनआउट है, प्रोफाइल इन लाइन, प्रोफाइल इन सरफेस, बहुत सारे कमांड है, उसी के रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है, GDNT टॉपिक 1, GDNT टॉपिक 2, मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप लोग इजीली देख सकते हैं और उसके ऊपर भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा नहीं जाता है, उनको उनका जो एक्सपीरियंस है, जो कंपनी में काम किए थे उसी का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसी के डिटेल्स पूछा जाता है। आप रिज्यूमे में जो जो एक्सपीरियंस लिखे होंगे, बेसिक चीज क्वेश्चन पूछने के बाद जो आपके रिज्यूमे मेंशन किए होंगे वही सब पॉइंट्स आपको पूछा जाता है। सीट मेटल में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में हो, डिजाइन में हो, तो सीट मेटल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर पूछा जाता है मैक्सिममली,
कैसे रहता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या थिकनेस रहता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, बेंडिंग, पंचिंग, डीप ड्रॉ प्रोसेस, ये सब प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। अब प्लास्टिक के एक्सपीरियंस है, आपको प्रोडक्शन में जाना है या तो मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग में जाना है, तो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। उसके डिफेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, क्यों डिफेक्ट्स दिखाई देता है। उसकी टूलिंग डायरेक्शन, ड्राफ्ट एंगल के बारे में पूछा जाता है, कितना ड्राफ्ट एंगल लेना रहता है, मिनिमम कितना रहता है, वो सब थिकनेस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। 0.2 से प्लास्टिक की ड्राफ्ट एंगल स्टार्ट होता है, प्लास्टिक का थिकनेस के हिसाब से 0.2 या 0.5 से ड्राफ्ट एंगल स्टार्ट होता है, उसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इंजिन कास्टिंग या पावर ट्रांसमिशन के ऊपर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंजिन के लिए क्या रहता है, कास्टिंग का जो रॉ प्रोसेस है, मशीनिंग प्रोसेस है, कास्टिंग में कौन सा कंपोनेंट है, कितना ड्राफ्ट एंगल लेना रहता है, कास्टिंग में मैक्सिमम प्रोडक्ट के हिसाब से हाइट और थिकनेस के हिसाब से 4-5 डिग्री से स्टार्ट होता है ड्राफ्ट एंगल देना, तो उसी के हिसाब से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। कुछ कुछ स्मॉल पार्ट रहता है जिसका 2 डिग्री एंगल से भी स्टार्ट होता है, उसका थिकनेस कितना लेना रहता है, रॉ और मशीनिंग में थिकनेस कितना लेना रहता है, 3 mm से लेकर 5 mm की थिकनेस दिया जाता है, कभी कभार ज्यादा बड़े क्रिटिकल प्रोडक्ट रहा तो 8-10 mm की थिकनेस भी दिया जाता है मशीनिंग के लिए। आप टूल एंड डाइज मेकिंग में इंटरव्यू देना चाहते हैं, टूल एंड डाई मेकिंग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहता है, कौन सा मटेरियल लेना रहता है, कितना हार्डन करना रहता है, कौन सा मटेरियल लेना रहता है, उसका 2 टाइप का टूल एंड डाई बनता है, तो प्रोटोटाइप का जो एमएस में बनाता है, टूल एंड डाई रियल बनाता है, ओएचएनएस मटेरियल यूज होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहता है, उसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऑटोमेटिक प्लास्टिक के लिए, डिजाइनिंग के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक के ऊपर पूछा जाता है, उसका जो टूलिंग डायरेक्शन है, ड्राफ्ट एंगल है, उसी रिलेटेड पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछा जाता है, सीटिंग सीट मेटल, फोम, ये सब भी डिजाइन होता है, इसी रिलेटेड भी एसटीओ क्या रहता है, सीट ट्रिम आउटलाइन, ये सब चीज भी पूछा जाता है। बीआईडब्ल्यू के बारे में भी पूछा जाता है, बॉडी इन व्हाइट वो क्या रहता है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है, उसके रिलेटेड भी पूछा जाता है। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि वर्लपूल हो, एलजी हो, सैमसंग हो, ये सब रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग, ये सब जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उधर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो भी सेम प्लास्टिक प्लस सीट मेटल रिलेटेड रहता है। जैसे मैंने आगे बताया, प्लास्टिक की प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे क्या आप डिजाइनिंग करने वाले, कैसे क्या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन से कंपनी है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट निकलता है, उसी के रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपका कोई भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, वेल्डिंग्स के बारे में पूछा जाता है, आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वेल्डिंग सिम्बल्स क्या रहता है, GD&T क्या रहता है, और मशीनिंग सिम्बल्स कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, आप प्रोडक्शन में भी काम करते हैं या क्वालिटी में काम करते हैं तो आपको सिम्बल और नोट्स के बारे में जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपको चेक करना रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आप प्रोडक्शन इंचार्ज है तो आपको प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना रहता है। आप डिजाइनिंग में है तो आपको वो सिम्बल सब देना रहता है, तो उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आप प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, डिजाइन हो, ऐसे सब फील्ड में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो मैंने जैसे बताया ये सब क्वेश्चन सब पूछा जाता है, उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक होगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। इसी तरह 10-15 कंपनियों में आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वो क्वेश्चन को प्रॉपरली राइट डाउन करके रखेंगे और उसका आंसर निकाल के रखेंगे तो नेक्स्ट कंपनी में जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे सेम क्वेश्चन आता है और आपका पास आंसर रहेगा तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और मैं जो जो क्वेश्चन आपको बताया और उसके आंसर के बारे में बताया वो सारे पॉइंट्स के ऊपर आप नॉलेज गेन करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक होगा और आप जो भी कंपनी में जाएंगे आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं ये जो जो पॉइंट आपको बताया है आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा और ये सब आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज मिलेगा।
तो वो भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स लोग और कंपनी में जो कलीग्स हैं उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज बढ़ेगा। कुछ कमेंट रहेगा तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो और कुछ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाना है तो मुझे रिकमेंड कीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।